अपनी भाई की हालत देखो यार, बिल्कुल खत्म भाई। ये देखो भाई, ये वाला टायर बेहतरीन टायर है ये वाला। अगर ये मेरे टाइम लग गया ना, कसम से जनाब, क्या हाल चाल आपके? तो आज लेके आ गए हम नया व्लॉग आपके साथ। तो गाइज, आज के जो व्लॉग में मैं अपने बाइक के टायर बदलने वाला हूँ और आप दिखा सकते हो मेरी बाइक की हालत कैसी है। तो गाइज, यहाँ देख सकते हो आप, टायर बिल्कुल ही गंजे हो गए। जैसे रेसिंग बाइक के टायर होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिना ग्रिप के होते हैं रेसिंग वाले टायर ना, तो वैसे ही इसके टायर हो चुके हैं। तो इनको बदलना पड़ेगा आज। तो अभी इसकी अगले वाले टायर में होगी हवा कम, तो इसमें कहीं से हल्का सा पंचर है, तो उस टायर को बदल लेंगे, दोनों टायर बदलेंगे आज। तो इसमें थोड़ी सी हवा डाल देते पहले और उसके बाद देखते हैं। तो गाइस, इन टायर ने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया और अब तो इनमें ग्रिप बिल्कुल भी नहीं रही, फिर भी चल रहे हैं। तो आज देखता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा वन ऑर्डर मारूंगा, पर अगर मेरे को कोई दूसरा दोस्त वगैरह मिला या कोई बंदा मिल गया तो उसको बोल दूँगा कि भाई आप फ़ोन पकड़ो, मेरे को वन आउट मारना है। तो भी आप बाइक की हालत देख सकते हो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। लेकिन राखी भाई, ब्लैक कलर की बाइक है, यहाँ देखो पूरी वाइट हो गई कीचड़ से। जो पेट्रोल पंप वाला एटीएम था वहाँ पे पैसा था ही नहीं, फिर मैंने यहाँ डिकोलर में निकाला, यहाँ इधर पर ही निकाला। तो वह मेरे को जाना है रामपुर, और मैंने एक बार ना नुगली में भी पता कर लिया था टायर का, पर वहाँ पे थे नहीं भाई, 140 नंबर का टायर था ही नहीं, अब 140 तारा का टायर ही नहीं था वहाँ पे। तो अब जा रहा हूँ मैं चुहा में पता करता हूँ। तो चलते हैं फिर गाइस। तो गाइस, आज मौसम भी ख़राब है, बारिश नहीं होनी चाहिए बस यार, क्योंकि मेरे बाइक में कीचड़ पीछे से बहुत ज़्यादा जाता है। तो कल भी मेरे कपड़े ख़राब हो गए थे, अगर किसी ने कल वाला व्लॉग देखा हो तो उसमें मेरे देखना कि कपड़े कैसे हो गए, उसमें ऑफ रोडिंग वाला व्लॉग था वो। अभी मैं रामपुर पहुंचने वाला हूँ गाइस, रामपुर यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है, रामपुर पहुंचने वाले हैं अभी। तो गाइस, रामपुर पहुंच चुके हैं हम, यहाँ है मंदिर हनुमान जी का, आप ही ले लो दर्शन। वो देखो गाइस, हर कहीं से बंदे ले लेते हैं यार इधरली साइड को। गाड़ी वाला आ रहा है, बाइक वाला आ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता भाई इनको। जब इनके ऊपर गाड़ी चढ़ेगी ना या बाइक चढ़ेगा या कुछ भी होगा, फिर इतना बड़ा हंगामा बनाएंगे ना। तो गाइस, मेरे पापा मिल गए मेरे को, और मैं इतनी स्पीड में चला था ना, और उन्होंने पूरा देख देखे ब्लॉग में आ रहा है। ओ भाई, क्या सीन हो गया भाई, कहीं संभल बनाना पड़ेगा उसको। पापा ने देख लिया स्पीड में बाइक चलाते हुए, वाह भाई वाह। चलेंगे वहां ला लेंगे इसमें अच्छे से टायर अपने बाइक में। ओ यार गाइस, हर कहीं से ना गाड़ियां बस से दिमाग खराब करने वाले काम है मां। अब देखता हूँ उधर हमें कहाँ लगाना बाइक। मेरे भाई, मेरे को तो पहले अंदर जाने। तो गाइस, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे कैसे टायर है। तो देख सकते हो आप, इनमें से छानता हूँ कोई एक टायर। तो पहले भैया को बुला देते हैं। कितने का पड़ेगा वाला? 2700। और कौन कौन सी ग्रुप में? गाइस, मैंने ये वाले टायर तो ले लिए हैं। ये देखो गाइस, ये देखो, पहले से ज़्यादा चौड़ा लगा रहा हूँ इस बार, और पुराने टायर की हालत देखो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पता नहीं कितनी देर में हम यहाँ से फ्री होंगे। कोई नहीं, मैं ऐसी व्लॉग बना रहा हूँ ना तो उसमें बोलना पड़ता है। अपनी भाई की हालत देखो यार, बिल्कुल ख़त्म भाई। गाड़ियों में जैक लगते हैं पर मेरे बाइक में भी जैक लगता है, वो देखो यार।
अपनी चैन ब्रेक सब खुल गया है भाई। तो मैंने वहाँ पे टायर लिए, वहाँ पे कैट का वो है, तो वहाँ से टायर लिए, फिर यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर लगा के निकलेंगे घर यार। उम्मीद करता हूँ गाइज आप पूरा देखोगे व्लॉग और थोड़ा भी स्किप नहीं करोगे, और लाइक कर दो उसको और शेयर भी कर दो उसको। सो मेरे एक दोस्त का घर वहाँ भी है, कहीं बनती है वहाँ पे, उधर कहीं ऊपर ऐसे उसका घर है, तो होप करता हूँ वो भी उस व्लॉग को देख रहा होगा। पिछला टायर चेंज हो चुका है, देखो भाई कैसा लग रहा है। और अब अगले बाड़ी की बारी है, अगला टायर भी निकल चुका है, अब अगले टायर की बारी है और वहाँ पे लग गए उस काम करने। तो थोड़ी देर में दोनों टायर लग जाएंगे और उसके बाद देखते क्या करते हैं क्या नहीं करते। बाजार जाना था, बाजार में थोड़े कपड़े भी लेने थे, तो देखो यार कैसी जीप सी लग रही अपनी बाइक।